आज दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल जी को ईडी ने राउज एवेन्यू कोर्ट में पेश किया। राउज एवेन्यू कोर्ट में मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल जी के लिए दलीलें वकीलों ने नहीं रखी, अरविंद केजरीवाल जी ने खुद मात्र 7 मिनट की एक स्टेटमेंट में इन्फोर्समेंट डायरेक्टोरेट के सारे केस को ध्वस्त कर दिया। वो मात्र 7 मिनट के लिए बोले, लेकिन उस 7 मिनट में ईडी का केस कितना निराधार है, कितना बेबुनियाद है, बिना किसी कारण के एक सिटिंग चीफ मिनिस्टर को उठाया गया है, ये मात्र 7 मिनट में दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल जी ने कोर्ट के सामने रख दिया, क्योंकि कोर्ट की प्रोसीडिंग बंद कमरे के अंदर होती है। जो वकील वहां पे मौजूद थे, जो जज वहां पे मौजूद थी, जो मीडिया वाले वहां पे मौजूद थे, उन्होंने तो अरविंद केजरीवाल जी की इस बात को सुना, लेकिन पूरा देश और पूरी दुनिया अरविंद केजरीवाल जी की बात को सुन सके, इसलिए जो स्टेटमेंट उन्होंने आज राउज एवेन्यू कोर्ट में रखा, उसको मैं आप सभी लोगों के बीच में पढ़ के सुना रही हूं। अरविंद केजरीवाल जी ने राउज एवेन्यू कोर्ट के सामने ये कहा, ये केस पिछले 2.25 साल से चल रहा है। 17 अगस्त 2022 को सीबीआई का पहला केस फाइल हुआ था और 22 अगस्त 2022 को ईसीआईआर फाइल हुई थी। मुझे गिरफ्तार किया गया है, ना तो किसी कोर्ट ने मुझे दोषी तक करार दिया है और ना ही मेरे ऊपर कोई मुकदमा चला है, ना ही मेरे ऊपर कोई आरोप तय हुआ है और ना ही मेरे ऊपर कोई आरोप लगे हैं। अभी तक इस केस में सीबीआई ने 31,000 पेज कोर्ट में फाइल किए हैं और 294 विटनेस को एग्जामिन किया है। ईडी लगभग 162 विटनेस को एग्जामिन कर चुकी है और 25,000 पेज फाइल कर चुकी है। इन सारे विटनेस और कागजों को मिलाकर मुझे क्यों गिरफ्तार किया गया है? मेरा नाम सीधे सीधे सिर्फ 4 स्टेटमेंट में आता है, उसे मैं आपके सामने रखने की इजाजत चाहता हूं। मेरा नाम 4 जगह आ रहा है। सबसे पहले है सी अरविंद। सी अरविंद मनीष सिसोदिया जी के सेक्रेटरी थे। उन्होंने ये बयान दिया कि एक दिन वो मेरे घर में मेरी मौजूदगी में उन्हें मनीष सिसोदिया जी ने कुछ एक्साइज के डॉक्यूमेंट हैंडओवर किए। उन्होंने ये नहीं कहा कि कुछ पैसे दिए, ऐसा कोई भी आरोप नहीं है। मैडम, मेरे घर में ढेरों विधायक, मंत्री और अधिकारी आते हैं, उनके सेक्रेटरी आते हैं, वो आपस में खुसर पुसर करते हैं और डॉक्यूमेंट भी एक्सचेंज करते हैं। मुझे क्या पता कि कौन किसको क्या दे रहा है? क्या ये एक बयान एक मौजूदा मुख्यमंत्री को गिरफ्तार करने के लिए काफी है? मगुंटा श्रीनिवास रेड्डी MSR, ये जगन रेड्डी के पार्टी के सांसद थे। MSR एक दिन 16 मार्च 2021 को 4:30 बजे मेरे दफ्तर आए। इससे पहले उन्होंने 10 दिन पहले मुझे ईमेल लिखी थी, मैं एक सांसद हूं और मुख्यमंत्री से मिलना चाहता हूं। मेरे ऑफिस से उन्हें 10 दिन बाद के मिलने का समय दिया गया। वो 4:30 बजे मेरे पास मिलने के लिए आए। मैं किसी वजह से जल्दी में था, तो उन्होंने मेरे से कहा कि मुझे दिल्ली में अपना फैमिली चैरिटेबल ट्रस्ट खोलना है, उसके लिए मुझे जमीन चाहिए। हमने कहा कि जमीन हमारे अंडर नहीं आती है, LG साहब के अंडर आती है, आप चिट्ठी दे दीजिए, मैं LG को ये चिट्ठी पहुंचवा दूंगा। 16 सितंबर 2022 को उनके घर पे रेड होती है। उनसे पूछा जाता है कि क्या आप केजरीवाल जी से मिले थे? उन्होंने कहा कि हाँ, मैं मिला और मैं केजरीवाल जी से अपनी फैमिली ट्रस्ट के लिए जमीन मांगने के लिए गया था। ये 16 सितंबर 2022 को सेक्शन 17 में जिक्र है। 5 महीने के बाद 10 फरवरी को उनके बेटे को गिरफ्तार कर लिया जाता है। उसके बावजूद वो अपनी स्टेटमेंट पर कायम रहते हैं। जब 5 महीने तक उनका बेटा गिरफ्तार रहता है,
तो फिर वो टूट जाते हैं। 16 जुलाई उनके पिताजी अपना स्टेटमेंट बदल लेते हैं। 16 जुलाई को वो अपना बयान बदल लेते हैं और 18 जुलाई को उनका बेटा छूट जाता है। उसके बाद उनका कोई स्टेटमेंट नहीं आता। बयान पर बयान हो रहे थे जब तक वो अपना बयान मेरे खिलाफ नहीं दे रहे थे। जैसे ही उन्होंने मेरे खिलाफ बयान दिया, बेटा भी छूट गया और बयान होने भी बंद हो गए और 3 अक्टूबर को माफीनामा भी हो गया। मिशन कामयाब हो गया। इसका मतलब ईडी का मकसद केवल और केवल मुझे फंसाना था। सेक्शन 50 में एमएसआर के 3 स्टेटमेंट हुए, तीनों बराबर हैं। इनमें से एक एक स्टेटमेंट को ही तवज्जो क्यों दी गई? क्या जांच की गई कि इनमें से एक सही है और बाकी 2 गलत हैं? जो 25,000 पेज ईडी ने फाइल किए, उन 25,000 पेज में जो केजरीवाल के खिलाफ वाला स्टेटमेंट है सिर्फ उसको लगाया गया, बाकी दोनों स्टेटमेंट्स दबा दिए गए। आखिर ऐसा क्यों है? कोर्ट के सामने तीनों स्टेटमेंट लाने चाहिए थे ताकि कोर्ट डिसाइड कर सके कि सच्चाई आखिरकार क्या है। तीसरा स्टेटमेंट है उनके बेटे का, राघव मगुंटा। राघव मगुंटा को 16 सितंबर को उसके घर पर रेड होती है और उसका बयान लिया जाता है। 10 फरवरी को उसको गिरफ्तार किया जाता है। उसके बाद उसके 5 बयान लिए जाते हैं। उसमें वो यही बोलता है जो उसने पहले बोला है। 5 महीने तक वो जेल में रहता है। उसके बाद 16 जुलाई को जब पिताजी बयान बदल देते हैं तो 18 जुलाई को उसको छोड़ दिया जाता है। उनके 7 बयान हुए जिसमें से 6 में वो मेरे खिलाफ नहीं बोलते और 7वें में जैसे ही वो मेरे खिलाफ बोलते हैं उसके बाद उनका कोई स्टेटमेंट नहीं होता है। उनको जेल से छोड़ दिया जाता है, उनको माफीनामा दे दिया जाता है। ये जो 6 स्टेटमेंट हैं ये रिकॉर्ड में नहीं लगाए जाते। चौथा है शरद रेड्डी। शरद रेड्डी के केस में 16 सितंबर में उसके यहाँ रेड हुई। उसने मेरे खिलाफ कुछ नहीं बोला। 9 नवंबर को उसने मेरे खिलाफ कुछ नहीं बोला। 10 नवंबर को उसकी गिरफ्तारी हो गई। उसके बाद उसके 9 बयान दर्ज किए जाते हैं जिसमें वो मेरे खिलाफ कुछ नहीं बोलता। उसके बाद 6 महीने गिरफ्तार रहने के बाद 25 अप्रैल को वो टूट जाता है और वो केवल इतना कहता है कि मैं विजय नायर के साथ सीएम साहब के पास गया था। सीएम साहब जल्दी में थे तो सीएम साहब ने कहा कि विजय के टच में रहो, विजय अच्छा लड़का है। मैं केवल ये जानना चाहता हूं कि क्या ये 4 स्टेटमेंट एक मौजूदा मुख्यमंत्री को गिरफ्तार करने के लिए पर्याप्त हैं? नंबर 2, जो 30,000 पेज फाइल किए गए हैं, ये 30,000 पेज के अलावा 1,00,000 पेज ईडी के दफ्तर में पड़े हुए हैं जो हमारी बेगुनाही साबित करते हैं, जो हमारी बेगुनाही के सबूत हैं, उनको कोर्ट के सामने नहीं लाया गया। शराब घोटाले का पैसा आखिर कहाँ है? आरोप लगाया जा रहा है कि 100 करोड़ रुपए किसी साउथ लॉबी ने शराब की पॉलिसी बनाने के लिए आम आदमी पार्टी को दिए। यह जस्टिस संजीव खन्ना का ऑर्डर है। इस मौके पर अरविंद केजरीवाल जी ने, जो जज साहिबा थी, उनको जस्टिस संजीव खन्ना जी का ऑर्डर पकड़ाया। जस्टिस संजीव खन्ना के ऑर्डर में पेज 22 के पैराग्राफ 12 में कहा गया है कि 100 करोड़ रुपए रिश्वत का मामला डिबेट के लायक है। इट इज डिबेटेबल। इसका मतलब है कि ये रिश्वत का मामला संदेह में है। इसका मतलब इस रिश्वत के मामले का कोई भी सबूत नहीं है। असली शराब घोटाला शुरू होता है ईडी की जांच के बाद। जब ईडी की जांच शुरू होती है, ईडी की जांच के 2 मकसद थे। पहला मकसद था आम आदमी पार्टी को क्रश करना, आम आदमी पार्टी को भ्रष्टाचारी साबित करना, खुद फैलाना कि आम आदमी पार्टी ने शराब घोटाला किया है। ईडी का दूसरा मकसद था इसके पीछे एक एक्सटॉर्शन रैकेट चलाना जिसके जरिए वो पैसा इकट्ठा कर सके। शरद रेड्डी के केस में शरद रेड्डी को जमानत 2 कारण से मिली। सबसे पहले
शरद रेड्डी ने मेरे खिलाफ बयान दिया और शरद रेड्डी ने गिरफ्तार होने के बाद 55 करोड़ रुपए का चंदा भारतीय जनता पार्टी को दिया। गिरफ्तार होने के बाद 55 करोड़ रुपए के बॉन्ड शरद रेड्डी ने खरीदे और उसके बाद उसे जमानत मिल गई। इससे मनी ट्रेल साबित हो जाता है। गिरफ्तार होने के बाद उसने 55 करोड़ रुपए का चंदा भारतीय जनता पार्टी को दिया। भारतीय जनता पार्टी में यह पैसा सीधा तौर पे उनके अकाउंट में गया। इससे मनी ट्रेल साबित होती है। यही पूरी जांच का मकसद था कि एक तरफ आम आदमी पार्टी को क्रश करना, एक स्मोक स्क्रीन क्रिएट करना और पीछे से एक्सटॉर्शन करना। यह बयान आज दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल जी ने राउज एवेन्यू कोर्ट में दिया। यह बयान साफ साफ साबित कर देता है कि उनको सिर्फ 4 ऐसे बयान के आधार पर गिरफ्तार किया गया है जिन बयानों का कोई आधार नहीं है, जिन बयानों को देने से पहले उन व्यक्तियों ने कई ऐसे बयान दिए जहां पे उन्होंने कहा हम अरविंद केजरीवाल को नहीं जानते, हम अरविंद केजरीवाल को नहीं मिले, लेकिन महीनों में जेल में रहने के बाद उनके बयान पलट जाते हैं। तो आज अरविंद केजरीवाल जी ने राउज एवेन्यू कोर्ट के सामने अपना पूरा बयान रखकर ईडी के सारे केस को ध्वस्त कर दिया। आज अरविंद केजरीवाल जी ने अपना बयान सामने रखकर पूरे देश के सामने ये साबित कर दिया कि ईडी का असली मतलब है एक्सटॉर्शन डायरेक्टरेट, कि ईडी का प्रयोग किया जाता है एक्सटॉर्शन करने के लिए और असली शराब घोटाला शुरू हुआ ईडी की जांच के बाद, जब इस शराब घोटाले की जांच के माध्यम से पैसे शराब कारोबारियों से एक्सटॉर्ट किए गए। थैंक यू। देखिए, सुनीता केजरीवाल जी अरविंद केजरीवाल की पत्नी है। अरविंद केजरीवाल का पूरा परिवार, आम आदमी पार्टी के हर नेता का पूरा परिवार शुरू से इस संघर्ष में आम आदमी पार्टी के साथ खड़ा रहा है। अरविंद केजरीवाल जब से इंडिया अगेंस्ट करप्शन मूवमेंट में आए, जब से आम आदमी पार्टी बनी, उस पूरे संघर्ष में उनका पूरा परिवार उनके साथ एक चट्टान के तौर पर खड़ा रहा है, उनको सपोर्ट किया है। इस उतार चढ़ाव वाले सफर में, इस संघर्ष में सुनीता केजरीवाल जी, उनके माता, उनके बुजुर्ग माता पिता, उनके दोनों बच्चे हमेशा अरविंद केजरीवाल जी के साथ खड़े रहे हैं, आम आदमी पार्टी के साथ खड़े रहे। आज भी इस मुश्किल समय में भी उनका पूरा परिवार इस संघर्ष में साथ में है और इस संघर्ष में साथ में रहेगा। छगन भुजबल के बाद अब प्रफुल्ल पटेल से जुड़े हुए करप्शन के मामले को सीबीआई ने क्लोजर रिपोर्ट फाइल कर दी है। देखिए, ये बिल्कुल साफ है कि ईडी और सीबीआई का प्रयोग विपक्ष को खत्म करने के लिए किया जा रहा है। विपक्ष के सभी नेताओं के ऊपर एक एक करके केस लगाए जाते हैं। जो भारतीय जनता पार्टी में आ जाता है उसके ऊपर केस खत्म कर दिए जाते हैं। छगन भुजबल के केस में ऐसा हुआ कि ईडी ने कहा कि हमारी फाइल खो गई है इसलिए हम केस बंद कर रहे हैं, और आज फिर से यही मामला सामने आया है। तो ये बिल्कुल साफ है, जो भारतीय जनता पार्टी में जाएगा वो भारतीय जनता पार्टी की वॉशिंग मशीन से धुल जाएगा। जो भारतीय जनता पार्टी का विरोध करेगा वो सत्येंद्र जैन, मनीष सिसोदिया, संजय सिंह और अरविंद केजरीवाल जी की तरह हिरासत में रहेंगे, जेल में रहेंगे। मैम,